आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH इन, तो हमें इसके अंदर बताना है NADP प्लस रिड्यूस होकर NADPH किस प्रोसेस में बना रहा है। ऑप्शन वन है हमारे पास HMP, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड EMP। गाइस, ग्लाइकोलिसिस एंड EMP जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ये दोनों सेम हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम EMP भी है। EMP हमने रखा था ऑन द उनके साइंटिस्ट के ऊपर। सो EMP स्टैंड्स फॉर एम्प्टन, E फॉर एम्प्टन, एंड देन वी हैव M फॉर मेयरहॉफ एंड P स्टैंड्स फॉर पैरेनिस। सो इन तीनों ने डिस्कवर किया था ग्लाइकोलिसिस को, तो हम EMP को, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। एंड ऑप्शन वन, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्शन वन हमारे पास जो हमें दिया हुआ है दैट इज HMP। सो HMP की फुल फॉर्म क्या होती है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। सो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट शंट। इसके दो नाम और हैं हमारे पास, हम इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं, दैट इज PPP, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसका जनरल नेम इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, या फिर हम इसको फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। सो फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, अब इसको अगर हम समझें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को, तो इस ये हमारा होता है साइटोसॉल ऑफ मेमेलियन सेल्स। तो ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोसॉल ऑफ मेमेलियन सेल्स। तो ये मेमेलियन सेल्स के साइटोसॉल के अंदर हो रहा है, एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एंड वो कन्वर्ट होता है आगे जाकर O2 एंड वाटर में। सो CO2 में कन्वर्ट होगा एंड ये वाटर में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। सो बहुत सारी सीरीज में हमारा ये एंड प्रोडक्ट आता है इसका, एंड इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, तो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। इसके अंदर हमारा NADP प्लस भी आगे जाकर रिड्यूस होता है NADPH में। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे दिया है दैट इज HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो सीरीज है केमिकल रिएक्शंस की, उसके अंदर NADP प्लस कन्वर्ट हो रहा है NADPH में, एंड इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का जो कन्वर्ट करता है आगे CO2 और वाटर के अंदर। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है, अब हम देख सकते हैं कि ऑप्शन वन के अंदर हो रहा है, और नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है कैल्विन साइकिल। सो गाइस, कैल्विन साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल। एंड ऑप्शन थ्री है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस एंड EMP। मैंने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस एंड EMP दोनों सेम चीज़ें हैं, एंड इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सो इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज बनाता है इसमें पाइरुविक एसिड। सो इसके अंदर NADP प्लस रिड्यूस नहीं होता इन NADPH। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन वन दैट इज HMP। सो आंसर होगा हमारा इसके अंदर HMP, दैट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, क्योंकि इसके अंदर जब हमारा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उसी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, NADP प्लस रिड्यूस होता है NADPH में। वन मोर थिंग गाइस, हमारा जब पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का, सो मैं यहाँ लिखूंगी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज, तो उससे हमें मिलते हैं 12 NADP विच इज इक्वल टू 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो ये है हमारा पूरा इसका समरी, एंड आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन वन दैट इज HMP। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।